हाँ बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ, किसी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक में, 10 से पहले 15 तक देख लेते हैं, फिर 20 तक में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर। नंबर 12, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग कंसिडर करके चले पूरे रिएक्शन को, तो ये बताओ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो जीरो। ओके, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर, वही सर, मेरा -7 निकल रहा है सर। यहाँ कितना निकल रहा है? तो -7 सर, मेरे को इससे में डाउट है कि वो कैसे निकाल रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा है। सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? अल्कली मेटल्स के ऊपर वन कितना होता है? +1। तो आयोडीन के ऊपर कितना होगा? टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल चार्ज 0। तो 0 का मतलब क्या है? जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। तो यस सर, अगर +1 चार्ज है तो ये माइनस कितना होगा? ठीक वन है, यहाँ पे कितना निकलेगा चार्ज? NaIO3। बताओ +1 सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। जिसके ऊपर चार्ज निकालना हो तो उसको एक्स मान लिया करते हैं हम लोग। यस और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? सर, -2 -2। तो नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर? बोलो जल्दी, नेट चार्ज कितना है? प्लस यस सर, नेट चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, सब प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कितना है? यहाँ कितना चार्ज दिख रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर? कहीं कोई चार्ज थोड़े नहीं दिख रहा है, 0 चार्ज है ना, है यस सर, 0 चार्ज ना? तो हर एक एलिमेंट के चार्ज का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। सर, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, और कितना एटम है सोडियम का? 1। ठीक है, आयोडीन के ऊपर एक्स चार्ज है, मालूम नहीं एक्स प्लस है कि माइनस, तो एक्स चार्ज है और एटम कितना है? 1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। और कितने एटम से टोटल? 3। ये टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? +5 प्लस या माइनस? +5 +5। तो यहाँ पे आयोडीन का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट +5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, आयोडीन वाला पार्ट 0 से -1 में जा रहा है, ये पार्ट 0 से -1 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? रिडक्शन है। और आयोडीन वाला पार्ट 0 से +5 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन तो एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब आराम से इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। समझ आया? सर, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 में अगर और कोई डाउट है तो पूछो। इलेवन क्वेश्चन नंबर 11, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 में पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? जीरो 0 चार्ज पोटेशियम के ऊपर, ओ पोटेशियम +1 +1। ठीक है, एक सर, पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1। ठीक है, Mn के ऊपर कितना चार्ज होगा? +7 +7। ठीक है, और उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना? -8 टोटल चार्ज की बात नहीं कर रहे हम लोग, एक एटम के ऊपर चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो -2। ठीक है, अब उसके बाद मान लो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे सोडियम वाले पार्ट में चार्ज कितना है? +1 +1। ऑक्सीजन के ऊपर? -2 कार्बन के ऊपर? -1 +1। पक्का? नहीं, 2 + 6 +6। पक्का?
और सोचो। प्लस सिक्स तो टोटल चार्ज है, यहाँ कितने एटम्स है टोटल? एक्स माइनस प्लस वन होगा। नहीं फिर से सुनो, प्लस सिक्स टोटल चार्ज है और कितने एटम्स हैं यहाँ पे? दो। तो अगर दो एटम का प्लस सिक्स प्लस प्लस सिक्स चार्ज है तो कितना हो जाएगा? प्लस थ्री। समझ आया तक पार्ट? हाँ। अब उसके बाद H2SO4 की बात करते हैं। यहाँ H के ऊपर प्लस वन चार्ज, प्लस वन है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू। सल्फर के ऊपर माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा, प्लस थ्री। प्लस प्लस थ्री। सोच समझ के जवाब दो। प्लस थ्री टोटल चार्ज कितना हो जाएगा पॉजिटिव? दो एच प्लस है मतलब प्लस टू। ऑक्सीजन की तरफ से माइनस एट। नेट चार्ज जीरो है, तो नेट चार्ज जीरो होने का क्या मतलब है? जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, राइट? तो माइनस एट है टोटल। अच्छा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस होगा, माइनस होगा। फिर से सुनो एक बार, अगर टोटल यहाँ पे नेगेटिव में माइनस दिख रहा है एट, तो जितना माइनस उतना ही प्लस होना चाहिए। प्लस केवल टू है, प्लस सिक्स होगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी निकल के आ गया। अब उसके बाद दूसरे साइड की बात करते हैं। मान लो मतलब हम लोग दूसरे साइड वाले पार्ट को अगर लेके चलते हैं, Mn, Mn में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? जब पहले ऑक्सीजन ले लेते, ऑक्सीजन में कितना होगा? माइनस टू। Mn में कितना होगा? प्लस टू। प्लस टू, ठीक है। उसके बाद कार्बन वाले पार्ट की अगर बात करें हम लोग, एक माइनस टू और प्लस टू। ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? माइनस टू। कार्बन के ऊपर प्लस टू। प्लस टू या फिर प्लस फोर? प्लस फोर, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्लस फोर। प्लस फोर। पोटेशियम के ऊपर कितना? पोटेशियम वन। प्लस वन। प्लस वन। सल्फर के ऊपर माइनस टू। सल्फर के ऊपर, अच्छा सॉरी ऑक्सीजन लिखे देना, चलो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, सल्फर के ऊपर माइनस टू। टू सर माइनस सिक्स, प्लस सिक्स। प्लस सिक्स Na2SO4 वाले पार्ट में। सोडियम के ऊपर प्लस वन और इसमें भी सिक्स, प्लस सिक्स। ठीक है, तो एक चीज देखो, जैसे सल्फर वाला पार्ट पूरे रिएक्टेंट वाले साइड को अगर कंसिडर कर रहे थे, तो सल्फर वाला पार्ट कितने जगह पे था? केवल एक जगह पे था, है ना? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स था, प्लस सिक्स का प्लस सिक्स रह गया। एच प्लस वाला पार्ट एक्चुअल में प्रोडक्ट में आएगा, वो दे नहीं रखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन हर जगह माइनस टू है, उस पर भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों के Mn में प्लस सेवन और यहाँ प्लस टू है, तो कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे? पांच का। तो प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद मान लो अगर हम लोग पोटेशियम की बात करते हैं, तो प्लस वन सब जगह प्लस वन, ठीक है, पोटेशियम प्लस वन, यहाँ भी प्लस वन, उसकी तो बात नहीं कर सकते। बचा है कार्बन, तो कार्बन में प्लस थ्री है और प्रोडक्ट में कार्बन में कितना है? प्लस फोर। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया? इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या है यहाँ पे हो जाएगा? ओके, और बताओ क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक में कोई डाउट? ये तुम लोगों को सीखना है, 11 12th में इस चीज को लेके यूज्ड टू हो जाएंगे। कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली चेंज नहीं होता है, कुछ लोगों का चेंज होता है, आदत पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 बताओ भैया, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, अपने आप ही बोल सकते हैं। इन जनरल क्या, अगर एक रिएक्शन होता है कंप्लीट रिएक्शन, तो हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होता है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होगा तो रिडॉक्स होगा, केवल रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हमेशा ये फिक्स है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। हम लोग उसको लिख सकते हैं अलग अलग, जैसे मान लो कि ऊपर का रिएक्शन था Mn प्लस सेवन से प्लस टू, तो हम लोग इसको लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि Mn वाला पार्ट
प्लस सेवन से Mn प्लस टू में जा रहा, तो ये हम लोगों का केवल रिडक्शन है। लेकिन अगर रिडक्शन हो रहा उसको ऐसा समझो, जैसे एक चीज बताओ क्षितिज कि इसमें प्लस सेवन से अगर प्लस टू में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? सर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज ऐड होगा। तो इसका मतलब प्लस सेवन से पांच इलेक्ट्रॉन ऐड करके प्लस टू में जा सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पांच आया कहाँ से? कहीं से तो आया होगा। तो इसका मतलब किसी दूसरे रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट रिमूव हुआ होगा। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वही इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह ऐड होगा। इसका मतलब एक जगह पे हम लोग का रिडक्शन हो रहा तो दूसरी जगह पे हम लोग का ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हुआ होगा, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है तो सर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे पता करना है, तो अगर एक भी पता चल गया कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ बस एक कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन कंप्लीट दिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे Mn प्लस सेवन से प्लस टू दे रखा, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये केवल रिडक्शन है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसका एक पार्ट दिया जाता है केवल, जैसे रिडक्शन हाफ बोला जाता है। एक्चुअल में जब भी इस तरीके का पार्ट देगा Mn प्लस सेवन से प्लस टू, तो इस चीज को रिडक्शन नहीं बोला जाता है, लिखने के टर्म पे हमेशा रिडक्शन हाफ बोला जाता है। मतलब एक कंप्लीट रिएक्शन का आधा पार्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, दोनों कंबाइन करके रिडॉक्स कंप्लीट रिएक्शन बना सकता है अपना। ठीक है, और बोलो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, सॉरी 13, 14, 15 को डाउट। जल्दी बोलो भाई, 13, 14, 15 को डाउट, 16, 17, 18, अपना अपना डाउट पूछ लेना, दूसरे के इंतजार में मत रहना, अपना अपना डाउट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में सर C6 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। किसका किसका? क्वेश्चन नंबर 19 का C6H12O2 का। C6H12O6 में इसमें किसका बोल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर? कार्बन का जीरो। सर ऐसे ना निकालेंगे सर, सर x प्लस 12 एंड माइनस 12 तो कट जाएगा ना सर। हाँ यार पॉइंट तो सही है। एक्चुअल में ऑक्सीजन वाला पार्ट माइनस 12 में जाएगा, कार्बन वाला हाइड्रोजन वाला प्लस 12 में जाएगा, जीरो होगा और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर बताते हैं तो उसके हिसाब से तुमको समझ में आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं इस वजह से निकल के आ रहा है क्योंकि कहीं पे प्लस स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे माइनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसे होता है उस चीज को मेंशन करते जा रहा है। काम करते हॉरिजॉन्टली इसको बना देते हैं। एक बार फॉर्मूला काउंट कर लेना ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हम ना बनाते। 3, 3, 6 नीचे वाले सरफेस को इधर की तरफ लगेगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लूकोज का। तो इसमें जैसे तुम लोगों को बताया था, बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग आराम से ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस वन अगर सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे और इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तब उस केस में कार्बन वाले पार्ट के ऊपर माइनस वन जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन। तो एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्बन है इसमें ये बॉन्ड को ब्रेक किया, हाइड्रोजन वाले पार्ट को ब्लू कलर से ब्रेक कर देता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन जाएगा, कार्बन वाले पार्ट के ऊपर माइनस वन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो ऊपर माइनस टू जाएगा, नीचे प्लस टू जाएगा।
कार्बन कार्बन को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल के चल सकते हैं। तो एक तरफ से प्लस टू, एक तरफ से माइनस वन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? तो टोटल चार्ज वाला पार्ट आराम से प्लस वन के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो नेट चार्ज यहाँ पे प्लस वन निकल के आ गया, पहला चीज। उसके बाद मान लो हम लोग सेकेंड वाले पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड कार्बन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से तो जीरो जीरो चार्ज आया था। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन, कार्बन के ऊपर प्लस वन। कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन, कार्बन के ऊपर माइनस वन। तो प्लस वन माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट, और कार्बन कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दूसरे वाले और कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो के बराबर ले सकते हैं। इसको हम अलग से लिखते चले जाते हैं। पहले वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को प्लस वन मिल रहा, दूसरे वाले केस में हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर जीरो मिल रहा। उसके आगे वाले पार्ट में अगर जाएंगे तो कार्बन कार्बन को ब्रेक करने से फर्क नहीं पड़ा, दूसरे कार्बन कार्बन से फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन, कार्बन के ऊपर माइनस वन। कार्बन ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन, कार्बन के ऊपर प्लस वन निकल के आएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पे जीरो वैल्यू निकल के आएगा। फिर कार्बन कार्बन में जीरो जीरो चार्ज, उसके अलावा आगे जीरो जीरो चार्ज। कार्बन हाइड्रोजन में माइनस वन प्लस वन, कार्बन ऑक्सीजन में नीचे माइनस वन ऊपर प्लस वन, नेट चार्ज वापस जीरो। तो सिमिलर टाइप से आगे भी नेट चार्ज जीरो। और लास्ट वाले पार्ट को अगर कैलकुलेट करें तो कार्बन वाले पार्ट के ऊपर यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो माइनस वन, हाइड्रोजन पे प्लस वन। ऊपर वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे तो नीचे माइनस वन, ऊपर वाले पार्ट में हाइड्रोजन पे प्लस वन। और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस वन और ऊपर वाले पार्ट में प्लस वन। तो एक माइनस और एक प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस वन। तो लास्ट वाले कार्बन पे माइनस वन के बराबर चार्ज है। तो पहले वाले केस में प्लस वन था, लास्ट वाले केस में माइनस वन था, बाकी सब में तो जीरो चार्ज था। तो प्लस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा? नेट चार्ज जीरो ही निकल के आएगा। तो इस केस में कार्बन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो उसमें सारे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं है, केवल चार का जीरो है, जबकि दो का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, एक का प्लस वन है और एक का माइनस वन है, बट नेट चार्ज ओवरऑल जीरो ही निकल के आ जाएगा। तो हम लोग नेट चार्ज जीरो के हिसाब से कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ठीक है। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। वैसे छोटा टॉपिक भी खैर हम लोग का छोटा ही है। लास्ट क्लास में बोला था कि इन्हीं 20 क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट के डिस्कशन के बाद, और वो कंसेप्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ये पढ़ के चल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऐसा मेंशन करते हुए चल रहे हैं, ये बोलने का तरीका तो था। लेकिन जो अभी पॉइंट पूछा क्षितिज कि सर हमेशा ऑक्सीडेशन अगर मालूम पड़ गया तो रिडक्शन होगा ही होगा क्या? मतलब अगर केवल ऑक्सीडेशन हम लोग देख लिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है? तो ये चीज है, जैसे अभी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि अगर हम लोग किसी रिएक्शन में ऐसा मान के चल रहा है कि Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा, मतलब इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से? तो डेफिनेटली किसी दूसरे रिएक्शन में ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली होगा ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, जैसे जो भी एलिमेंट, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिख करके चल रहा हूँ, इसको नीचे लिख देते हैं, मतलब ए वाला पार्ट ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ए टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा, तो बेसिकली यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, तो यहाँ पे टर्म ऑक्सीडेशन मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो गेन कर रहा है तो दो काम कर सकते हैं, आइदर यहाँ पे प्लस टू चार्ज लिया और यहाँ बी जीरो कर दिया एक ऑप्शन, या फिर अगर यहाँ बी लिया तो यहाँ पे प्लस टू इलेक्ट्रॉन करके हम लोग आराम से बी टू माइनस कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज अपने मन पे है। तो बी वाला पार्ट अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आराम से यहाँ पे हम लोग टर्म रिडक्शन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, ये बोलने का एक नेचुरल तरीका हो सकता है अपना। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे ऊपर वाले केस में ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग को करना क्या है? तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग को दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराना है, ठीक है। नीचे वाले केस में रिडक्शन है, तो उस केस में नीचे वाले केस में रिडक्शन कराने के लिए दो इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग
कि ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऊपर वाले को दो इलेक्ट्रॉन लूज करना था, तो मान लो कि अगर हमको पैसा डोनेट करना है बट सामने किसी को कोई आदमी ही नहीं जिसको डोनेट कर पाए, तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होता जैसे तुम लोग एसएसटी में पढ़ते होंगे सप्लाई एंड डिमांड, तो डिमांड जो है तभी सप्लाई आएगा, और ये दोनों चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अगर मान लो डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है तो भी काम नहीं हो सकता, सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं, जैसे अभी अभी हो रहा है ऑयल कंपनीज के साथ, तो लोग के पास सप्लाई है, ओवरफ्लो हो रहा है लेकिन डिमांड नहीं है, तो सप्लाई एंड डिमांड साथ 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 चलता है। तो बेसिकली ए वाला पार्ट दो इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रहा है, लेकिन इसको लूज जब करेगा तो इसके पास कुछ स्पेस होना चाहिए, कोई स्पीसीज होनी चाहिए जिसको ये दे पाए दो इलेक्ट्रॉन, तो दिख रहा है कि नीचे वाले पार्ट को दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को बी को देगा तब जाके ए टू प्लस में कन्वर्ट होगा, तब जाके ए का ऑक्सीडेशन होगा, ये बोलने का लैंग्वेज होगा, ठीक है, फिर से बोल रहे इस चीज को। जब ए अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तब जाके, और ऐसा भी ए जब अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बी को देगा तब जाके इसका ऑक्सीडेशन ए टू प्लस में हो जाएगा, पहला चीज। तो उल्टा भी इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते थे कि जब बी वाला पार्ट ए के दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी ए वाला पार्ट अपने आप को ए टू प्लस में कन्वर्ट करा सकता है, अगर ये बी नहीं होता तो ए वाला पार्ट दो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता, और दो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो ए टू प्लस में कन्वर्ट नहीं होता। तो हम लोग अगर इसके हिसाब से कंसिडर करके चले कि बी वाला पार्ट अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा के, फिर बी वाला पार्ट ए के दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा के ए का ऑक्सीडेशन करा दे रहा है, इसका मतलब इस बी वाले पार्ट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एजेंट का मतलब जो अपना काम करा दे रहा है बेसिकली, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करा दे रहा है, तो बी वाला पार्ट ऑक्सीडेशन करा रहा है, ये खुद से नहीं कर सकता। बी जब था तो ये सामने के दो इलेक्ट्रॉन्स को लिया, और दो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा दिया, तो इस केस में बी इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मान लो उल्टे लैंग्वेज में बात करें, मान लो नीचे रिएक्शन के लिए बात करें कि बी वाला पार्ट जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बी टू माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बी वाला पार्ट दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? तो बी वाला पार्ट ए के तरफ से जो दो इलेक्ट्रॉन आया था उसको गेन किया, और जब इसको गेन किया तो अपने आप को बी टू माइनस में कन्वर्ट किया। तो हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि ए वाला पार्ट अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करके बी वाले पार्ट को दिया, और बी वाला पार्ट वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को बी टू माइनस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अपना रिडक्शन करा दिया। तो बेसिकली ए के वजह से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और वही इलेक्ट्रॉन बी वाला पार्ट गेन करके बी का रिडक्शन कैरी आउट कराया, तो ए वाले पार्ट के वजह से बी का रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ए वाला पार्ट हम लोग बी के रिडक्शन के लिए यूज करा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग टर्म आराम से रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। और इस चीज को हम लोग नॉर्मली रिएक्शंस में फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। एक तो ये टर्म ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पहले ये टर्म ध्यान रखना है। उसके अलावा ये भी चीज ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस होता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को जो ऑक्सीडाइज कराए, तो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराए वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। हम सामने वाले को पैसा देंगे तो मेरा पैसा कम होगा, सामने वाला हमको पैसा देगा तो उसका पैसा कम होगा। तो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हिंदी में, मतलब उसका मतलब निकाले तो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, सॉरी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद रिडक्शन में जाएगा। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडेशन में मूव करेगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक टर्म का ध्यान रखना, अगर इस पार्ट में डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, और अगर डिफिकल्टी नहीं है तो हेडिंग डाल देना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट और उसमें पहला पार्ट मेंशन कर लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दीज सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजेस
अदर स्पीसीज और इसी में मेंशन कर लेना दे इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड क्या दे देमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड और उसी के जस्ट नीचे जस्ट उल्टा डेफिनेशन है दीज सब्सटेंसेस रिड्यूसेस अदर स्पीसीज और खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है नोट कर लिया चीज को अगर नोट कर लिया है तो ये सारे रिएक्शंस को जो ऊपर लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 इन सारे क्वेश्चंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ये आइडेंटिफाई करना है फटाफट ट्राई करते जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से 20 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा लास्ट क्लास में बोला था इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यूज करेंगे इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं तो मैं सेक्टर 9 में भी रहता है क्या और सबके कारण निकाल के अगर भाई तो मैं सेक्टर 9 में रहता है क्या ये कौन सुनने में सेक्टर 9 में कैसा है बोकारो में ये पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई बाहर घूमने निकल रहा है तुम में से दीक्षा प्रिया हर्ष ईशान क्षितिज कोई बाहर निकल रहा है घूमने आजकल 3 मंथ्स में सर दो बार तीन महीने क्या होता है अभी तीन महीने और चलेगा तीन महीने के नवंबर तक चलेगा सब तो देख लो अभी आगे के चार महीने में तो एक बार भी नहीं निकल पाएंगे यस सर सर इसलिए घूम रही है सर क्योंकि वो केस आ गया था तो अब एट भी दूर नहीं है ना सर अच्छा एट भी तो पक्का पास में ही है ना इनके यस सर बहुत दिक्कत है भाई अभी तो केस शुरू हुआ है बोकारो में अभी तो तुम लोग का स्कूल स्कूल सब पता नहीं कब तक चलेगा सब बंद होने वाला है अभी तो ऑनलाइन ही सब चलना है तो चलेगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला बढ़िया है तुम्हारे जैसे लाइफ हम लोग को भी मजा आता है ऐसे बस ये खेलना कूदना बंद हो गया ये थोड़ा गड़बड़ है अदरवाइज मतलब स्कूल जाए बिना स्कूल का पढ़ाई हो जा रहा है फ्री में पास हो जा रहा है और कैसे लाइफ में Yes.
विशाल सर बहुत हल्ला करते हैं ना क्लास में, वो डांटते ना तुम लोगों को? डांटते हैं ना विशाल सर? नो सर। तो जब देखते हैं क्लास में ऐसे डांटते रहते हैं सबको, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलो भाई ट्राई करो, सवाल ट्राई करो जल्दी। शुरू में तो पड़े होंगे कि अगर हम कार में बैठे हैं, अगल बगल दो आदमी अगर बैठा हुआ है तो एक के से दूसरे को देखेंगे तो रिस्क में देखेंगे, लेकिन वही दूसरा अगर बाहर खड़ा है इनके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है और फोर्स इंडिपेंडेंट। अब वर्क जो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें से अगर एक क्वांटिटी फ्रेम डिपेंडेंट है तो वर्क क्या हो जाएगा? फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि वर्क जो होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बोलने जाएंगे कि नाइन्थ क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़े थे, आपको भी नहीं पढ़ा है लोग? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे? यही लिखते थे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग हाफ एम बी ए स्क्वायर लिखते हैं, मास स्क्वायर जगह सेम रहेगा और वेलोसिटी जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तब भी हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा। और यहाँ से भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है फ्रेम। ठीक है, किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा हो सकता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी बॉडी पर जो वर्क होगा, जो भी फोर्स लगाएगा उसके कारण होगा। हम बोल सकते हैं वर्क इज डन बाय सोर्स और एजेंट अप्लाइंग तुम लोगों को और इसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का बुकलेट मिल चुका है ना? बता जल्दी। नो सर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बुकलेट नहीं मिला? ठीक है, तो अब इस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का तुम लोग को बुकलेट दे देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पार्ट याद रखना होगा, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है उधर जो याद रखना होगा। जैसे एक तो अभी के टाइम पे ही होता है, जैसे मान लो कि बरसात के मौसम में हम लोग ऑयली जो सब्सटेंस होता है उसका देखते हैं स्मेल थोड़ा खराब टाइप का हो जाता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर, जो ऑयल्स है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं जो एंटी ऑक्सीडेंट्स के जैसा बिहेव करते हैं। जैसे एक चीज देखा होगा, लेज का जो चिप्स ये होता है, पैकेट होता है चिप्स का, उसमें उसमें एयर भरा रहता है, बेसिकली नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम कर देता है, तो इसीलिए आराम से काफी दिनों तक लेज उसके अंदर स्टोर होकर के रह पाता है। उसी तरीके से जैसे अचार है, तो अचार में हम लोग विनेगर डालते हैं ताकि अचार का ऑक्सीडेशन रुक जाए, काफी टाइम तक अचार आराम से स्टे कर पाए। तो वो सब चीजें ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रस्टिंग वाला पार्ट हो गया, कोरोजन वाला पार्ट हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें रिडॉक्स का ही एक एग्जांपल है, रिडॉक्स का ही एक पार्टिकुलर पार्ट है। उन सब चीज़ों को आराम से आप थ्योरेटिकली रीड करके पूरा का पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं। और बुकलेट में अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो हम बताती है, उसमें डिस्कशन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बुकलेट हम तुम लोगों को भिजवा देंगे, ठीक है। बट अब पूरा बुकलेट चैप्टर नंबर वन का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें एक रिडॉक्स का ही पार्ट था जो थोड़ा यूनिक था, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते थे। ये एक पार्ट जो एनटीएससी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज काम का ये भी नहीं होता है। तुम्हारे स्कूल में हो सकता है तुम्हारे टीचर्स का भी बोल दें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस टाइप की चीजें, बट अदरवाइज स्कूल के एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने का ये तरीका नहीं है। चार्ज वाला पार्ट उसको ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसी टर्म में बोला जाता है हमेशा। हाँ दीक्षा बोलो, कोई डाउट? नो सर, हो गया सर, क्वेश्चन बन गया। चलो ठीक है, बाकी लोगों को बनाने दो। इसका कोई मतलब सबको पता है कि हम फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स जो है फंक्शन
दो लोग आंसर आ गया, बाकी लोग जल्दी बनाओ। इतना भारी तो नहीं है भाई, कितना टाइम लगेगा। ईशान, हर्ष, हर्ष है तो लास्ट क्लास गायब हो गया था, क्लास के बाद बीच में। तुम्हारा पहला क्लास है, लास्ट क्लास में कौन आया था जो गायब हो गया था बीच में? ओके, ये सब आता है तुमको? तो एक काम करना, जो इन लोगों का लेक्चर लिया ना हम ऑनलाइन, वो सारा का सारा अपलोडेड है, उन सारे लेक्चर्स को देख लेना, क्योंकि उसको अगर नहीं देखेंगे तो आगे की चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तुमको लगेंगे, ठीक है? बाकी लोगों को समझ में आएगा कि हर एक लेक्चर कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो उन सारे लेक्चर्स को जो ऑनलाइन अपलोड किया है उसको देख लेना, पेशेंटली देखना, पर डे आधा आधा घंटा बस लेक्चर सुन लेना, ताकि दिमाग में चीजें रहें, उनको नोट डाउन मत करना, उनको सुन लेना, उसका पीडीएफ हम तुमको भिजवा देंगे, ताकि तुम्हारे पास वो सारे के सारे लेक्चर्स कलेक्टेड फॉर्म में रहे। और उसमें अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो डाउट सेशन लेकर के मेरे से उस इशू क्लियर कर लेना, ठीक है? बट उसको कवर कर लेना, क्योंकि अगले टॉपिक को जो हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम लोग के पास वो सब पार्ट, एसिड कैसे पहचानेंगे, बेस कैसे पहचानेंगे, कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा, एसिडिटी बेसिसिटी में थोड़ा बहुत पुराने लेक्चर्स का यूज हो पड़ेगा हम लोग का, ठीक है? तो इसलिए पढ़ देना उसको आराम से। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। तीन लोग आंसर आ गया। सनी आंसर नहीं आया? आ गया, सब लोग आंसर आ गया, ऑलमोस्ट सब लोग आ गया। ईशान आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। जल्दी बना आंसर। ओके चलो ध्यान दो। एक काम करते हैं हम, इसका लिस्ट साइड में मैच ये कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, या पहले वाले में तो लेक्चर में हम दे ही चुके थे ना तुम लोग को। चलो ठीक है, हम इसको अलग से ही लिखते चले जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। चलो पहले वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो पहले वाले केस में कार्बन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इस सामने वाले पार्ट को रिड्यूस करा रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड मेंशन कर सकते हैं, और ऑक्सीजन वाले पार्ट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आराम से बोल सकते हैं। सेकेंड वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो ZN वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और सामने में कॉपर प्लस वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। थर्ड वाले केस में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही नहीं, तो जब तक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तब तक हम लोग कभी भी उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4-5 में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में Fe वाला पार्ट Fe2+ में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले पार्ट को रिड्यूस करता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉपर वाले पार्ट का रिडक्शन हो रहा है, तो खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में CO वाले पार्ट को CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कार्बन बेसिकली +2 से +4 में जा रहा है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ -2 में था, यहाँ भी -2 में उधर ही दिखाई दे रहा, ये ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ के ऑक्सीजन पे फर्क नहीं पड़ रहा, इस पूरे मॉलिक्यूल में केवल कार्बन के ऊपर फर्क पड़ रहा है। कार्बन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीजन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा तो सॉरी रिडक्शन हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन को अगर कंसीडर करें MgO, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस चीज को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर कर सकते हैं। जिससे खुद का रिडक्शन होगा वो सामने वाले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। SO2 से SO3 में जा रहा है, इसका मतलब
SO2 पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, तो SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सामने वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आराम से बन जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करेंगे, MnO4 वाला पार्ट आराम से प्लस टू में जा रहा और Fe प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहा, प्लस टू से प्लस थ्री मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और सामने वाला पार्ट हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं आराम से। उसके बाद वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करेंगे तो MnO4- वाले पार्ट के हिसाब से अगर काम करे तो MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। इन जनरल याद रखना जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है कि MnO4 वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये फैक्ट याद रख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस केस में MnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो सामने वाले पार्ट को हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल के काम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें, और बाकी जो इसमें कंपाउंड थे उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब यहाँ पे इस चीज को छोड़ सकता है। फिर उसके बाद वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ये छोटा सा एक पार्ट ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यूनिक पार्ट रहता है इसमें। जैसे इस पार्टिकुलर कंपाउंड में हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि I2 वाला पार्ट ऑक्सीडेशन में भी जा रहा और रिडक्शन में भी जा रहा, मतलब इस कंपाउंड के अंदर I2 वाला पार्ट जीरो में था, यहाँ से माइनस वन में जा रहा था, यहाँ से प्लस फाइव में जा रहा था। तो I2 जीरो से माइनस वन मतलब रिडक्शन में भी जा रहा, I2 जीरो से प्लस फाइव मतलब ऑक्सीडेशन में भी जा रहा। तो बेसिकली यहाँ वाले पार्ट में दो I2 है, एक I2 वाला पार्ट हम लोग रिडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं और दूसरा I2 वाले पार्ट को हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो I2 वाला पार्ट खुद ही हम लोग जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा, और दूसरे में रिडक्शन हो रहा इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा। तो I2 वाला पार्ट खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट भी है और खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस चीज को इन जनरल बोलने के लैंग्वेज में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ ये वर्ड ध्यान रखना। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये वर्ड ध्यान रखना, बाकी अभी इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग कहीं भी। नेक्स्ट वाला केस रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद वाले केस में CO वाला पार्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमको इसलिए याद है क्योंकि क्लास 12th में CO को यूज करते हैं। इनफैक्ट मेटलर्जी में जो मेटल्स है नॉन मेटल्स है उस मेटलर्जी में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को Fe2O3 को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। और एक चीज देख भी सकते हैं, Fe2O3 से ऑक्सीजन हट गया मतलब Fe2O3 का रिडक्शन हो गया, तो अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा और खुद ये पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। सेम चीज कार्बन के साथ होता है, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा यूज किया जाता है मेटलर्जी में। ये दोनों रिएजेंट बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। जैसे Fe2O3 है उससे हम लोग को प्योर आयरन बनाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग आयरन को रिड्यूस करा सकते हैं, मतलब Fe2O3 को रिड्यूस करा के आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज कार्बन भी आराम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी तरीका हम लोग मेटलर्जी में Fe2O3 से Al2O3 का फॉर्मेशन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। एक चीज बताओ, कितने लोग स्कूल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाई हो गया है? किसी के स्कूल में नहीं हुआ है अभी तक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? कितने लोग अपने से पढ़े हैं उस टॉपिक को, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? कोई आइडिया नहीं है किसी को? अरे तुम लोग घर बैठे बैठे से बुक पलट के देखते नहीं रहता कुछ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा, क्या कहानी दे रखा है? पढ़ा करो भाई, ऐसे लाइट रीडिंग हमेशा किया करो बुक का, कभी भी खाली बैठो तो एनसीईआरटी का रीडिंग किया करो। क्या करता है तुम लोग, पबजी खेलते रहता है केवल, या फिर बस नोवेल पढ़ता रहता है तुम लोग? हाँ भाई दीक्षा क्या करती है? क्या करते हैं? स्पीचेस पढ़ते हैं। अच्छा ओके, और ईशान तुम क्या करते हैं भाई? सर अभी तो कंप्लीट कर रहे हैं अपना ही सिलेबस। अच्छा चिल मारता है बाकी उसके बाद। प्रिया
सर असाइनमेंट लिखते हैं सर। अरे यार तुम लोग की जिंदगी से असाइनमेंट कभी खत्म नहीं होगा। हम 10th क्लास में होमवर्क 10th क्लास तक हम जिंदगी में होमवर्क नहीं बनाए कभी ढंग से, फिर भी हमको स्कूल में अच्छा मार्क्स मिलता था। अगर हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो तुम्हारा नंबर कोई नहीं काटेगा। पता नहीं तुम लोग क्यों डरते हैं। स्कूल वाले लोग एक वो भी बना दिया है, एक क्या बोल सकते हो उसको, मॉडल बना दिया है जबरदस्ती का स्कूल में कि असाइनमेंट असाइनमेंट सॉल्व करो, मतलब एक रटने वाला काम बना दिया है। काम वैसा करवाना चाहिए जिससे मजा आए, जिसमें थोड़ी कुछ चीजें सीखने को, जिससे दिमाग पे जोर पड़े। अभी जैसे 9th वालों का हम लोग गर्मी छुट्टी करने वाले, एक वीक सब लोग परेशान हो गए ऑनलाइन क्लासेस कर करके। चलो ठीक है एक वीक का ब्रेक ले सकते हैं, तो ठीक है ब्रेक लो। उसमें तुम लोगों को कुछ भी हॉबी है, आर्ट्स एंड पेंटिंग्स का, पोएम लिखने का, कुछ भी करने का, वो चीज कर सकते हैं। उसी का एक कॉम्पिटिशन करा देंगे हम लोग। बेसिकली दिमाग पे थोड़ा असर पड़ना चाहिए, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर आना चाहिए, दिमाग यूजेबल फॉर्म में आना चाहिए। स्पीच पढ़ना अच्छी चीज है, बट तुम्हारे हाथ में जो बुक है उसको पलट पलट के देखा करो यार, उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जिंदगी भर याद रहता है। रैंडमली जब पढ़ेंगे ना तो चीजें ज्यादा इफेक्टिवली याद होती है। पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो हैवी लगता है, करो यार याद करना है याद करना है। प्रेशर में आदमी कभी उस चीज अच्छे से याद नहीं रख सकता। जब मेटलर्जी वाला टॉपिक मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे मेथड होते हैं, रोस्टिंग हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो गया, उस तरीके से मतलब मेटलर्जी में इन सब चीजों को हम लोग यूज करते हैं। मेटलर्जी में जैसे जब हम लोग मेटल्स निकालते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होते हैं उस पूरे कंपोनेंट के अंदर। उन इम्प्योरिटीज को सॉर्ट आउट करना होता है, तो उन इम्प्योरिटीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इन जनरल बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। उन्हीं सब मेथड में फ्रोथ फ्लोटेशन में एक मेथड है जिसको हम लोग को यूज करना होता है, कैल्सिनेशन मेथड यूज करना होता है। उन सब मेथड को यूज करने के बाद जो भी ऑक्साइड्स वगैरह सब बचते हैं उन ऑक्साइड्स को हम लोग रिड्यूस करके आराम से प्योर मेटल वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम लोग इन जनरल कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स वाले पार्ट को यूज करके आराम से रिडक्शन किसी भी ऑक्साइड का करा सकते हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकते हैं अपने मेटल के फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद Na के साथ ZnO, तो ZnO जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब रिडक्शन हो रहा, तो जिसका रिडक्शन हो रहा उसके सामने वाला पार्ट उसको रिड्यूस कराएगा। और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये मेटल है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब हमेशा खुद का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, खुद हमेशा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले पार्ट को रिड्यूस करेगा ही करेगा। सामने वाला पार्ट हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वाले पार्ट में जिंक वाला पार्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑक्सीजन वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और इस पूरे कंपाउंड के अंदर केवल कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग आराम से रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। MnO4 F वाले पार्ट को अगर लेके चले तो MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, Fe2O4 Fe+2 से +3 में जा रहा, कार्बन +3 से +4 में जा रहा। तो इस पूरे पार्ट के अंदर हम लोग के पास दोनों जगह ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, +2 से +3, +3 से +4। तो ठीक है दोनों जगह अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो रिड्यूसिंग एजेंट पूरा का पूरा सिंगल यूनिट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और दो रिड्यूसिंग एजेंट हो, बट वो एक तरीके से समझ लो कि दो सेपरेट रिएक्शन को एक ही साथ करा रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम ऐसा करें कि मान लो ये रिएक्शन है, हाँ ठीक है यही दोनों रिएक्शन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो अगर ढंग से देखो तो हम लोग 10 और 11 को कंबाइन ही कर दिया है। MnO4 माइनस तो दोनों जगह है, एक जगह Fe2 प्लस है, एक जगह पे Na2C2O4 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 20 बनाया हम लोगों ने। MnO4 माइनस Fe+2 है और C2O4। तो सोडियम तो वैसे भी कहीं नहीं जा रहा, सोडियम का कोई मतलब भी नहीं है, हम लोग बेसिकली दो अलग अलग रिएक्शन को एडअप कर दिया है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन वो दो रिड्यूसिंग एजेंट होने का ज्यादा कोई लॉजिक नहीं होगा, उसको हम लोग सेपरेट रिएक्शन में अलग से कैरी आउट कर सकते हैं। कॉमन रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट अलग रहा, फिर दूसरे रिएक्शन में दूसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट अलग रहा, इस चीज को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में आराम से मेंशन कर सकते हैं। यहां तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में से वो आयोडीन हम लोग खुद से ऐड करेंगे? हाँ, आयोडीन खुद से ऐड नहीं, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक ही एलिमेंट जो है वही 0 से -1 में जा रहा, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा, और 0 से +5 में जा रहा, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा। तो एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा,
इसका मतलब बेसिकली दो अलग अलग आयोडीन्स लेकर के चल रहे होंगे हम लोग, जिसमें से एक ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर ले रहे होंगे और दूसरा पार्ट हम लोग रिडक्शन के लिए यूज कर ले रहे होंगे। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है तो आज तुम लोगों को बुकलेट, आज या कल सुबह तक में तुम लोगों को बुकलेट हम सेंड करवा देंगे, और उस बुकलेट में जो भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके सारे के सारे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रेडॉक्स वाला पार्ट, थोड़ा बहुत उसका एक बार थ्योरी भी रीड कर लेना, एक वीक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर उसके बाद कोई डिफिकल्टी रहता है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफिकल्टी डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर हम लोगों को केवल ये इंट्रोड्यूस करने में जाएगा कि एसिड क्या होता है, कितने टाइप्स के एसिड हैं, बेसिस क्या होता है, कितने टाइप्स के बेसिस कंसिडर किए जाते हैं, उसके अलावा फिर कुछ रिएक्शंस के पार्ट, पीएच कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो पीएच कैलकुलेशन के लिए तुम लोगों को लॉग का एक पार्ट होगा जो मैथ्स में हम डिस्कस करवा देंगे सर से बोल करके, तो लॉग का पार्ट जैसे ही डिस्कस हो जाएगा मेरा पीएच कैलकुलेशन, उसके बाद ऑल्दो हमको पीएच के कैलकुलेशन के लिए लॉग बताना पड़ेगा। और तुम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म बता दिया था ना मैंने, मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी बता दिया था ना, इतना मोलर कंसंट्रेशन, वन मोलर, टू मोलर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बताया कि नहीं बताया? यस सर, ये लॉकडाउन से पहले ही बता दिया था, जहां तक हमको ध्यान है, बोला था पीएच कैलकुलेशन में यूज करेंगे। बता भाई शुभम, बताया कि नहीं बताया? हां सर पहले ही बताया, बता दिया ना, चलो ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्लास में तो खैर बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉग का पार्ट डिस्कशन में आएगा, और तुम्हारा होमवर्क होगा कि तुम कंसंट्रेशन टर्म्स के पार्ट को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में भी दे देंगे, उन सब चीज़ों को ट्राई करना है। उसके अलावा तुम लोगों को कोई होमवर्क या असाइनमेंट मिला है क्या मोल कंसेप्ट से रिलेटेड अभी? नो सर, नहीं मिला है ना, तो ठीक है, एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना है, ये तुम्हारे क्लास नाइन्थ के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स के ऊपर के जो क्वेश्चन है वो तुम लोगों से बन जाने चाहिए, क्योंकि ये असाइनमेंट है तो क्लास इलेवेंथ का, बट ये क्लास नाइन्थ के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, और क्लास नाइन्थ वालों को भी अभी जस्ट यही असाइनमेंट हम लोगों ने भेजा था, तो ये असाइनमेंट तुमको सॉल्व करने हैं, ये नेक्स्ट क्लास के लिए तुम्हारा होमवर्क रहेगा, पूरा वीक का होमवर्क, एक तो बुकलेट हो गया, बुकलेट के सारे क्वेश्चन और उससे रिलेटेड थ्योरी, और दूसरा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड दो असाइनमेंट्स तुमको भेजेंगे, उन दोनों असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले वाले असाइनमेंट का आंसर असाइनमेंट टू में होगा, दूसरे वाले असाइनमेंट का आंसर असाइनमेंट थ्री में होगा, तो दूसरे असाइनमेंट का आंसर तुमको पता नहीं होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास में ही, और उसके बाद जो भी डाउट होगा उसमें आराम से हम लोग सारा का सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। वो दोनों मोल कंसेप्ट के असाइनमेंट को तुमको सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे मोल कंसेप्ट का लेवल हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम क्लास पहले एंड कर रहे हैं, आज कोई टॉपिक भी नहीं था, आज क्लास हम थोड़ा शॉर्ट ही रखने वाले थे, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए बंद करते हैं क्लास। चलो ओके ठीक है, तो क्लास आज एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।